नमस्ते ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और मेरे प्रिय मित्र हिज एक्सलेंसी अल्बनीजी, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री हिज एक्सलेंसी स्कॉट मॉरिसन, न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर क्रिस मिंस, फॉरेन मिनिस्टर पेनी वांग, कम्युनिकेशन मिनिस्टर मिशेल रॉलेन, एनर्जी मिनिस्टर क्रिस बोवेन, लीडर ऑफ अपोजिशन पीटर डटन, असिस्टेंट फॉरेन मिनिस्टर टिम वॉट्स, न्यू साउथ वेल्स के उपस्थित मंत्रिमंडल के सभी आदरणीय सदस्य, पैरामाटा से सांसद सदस्य डॉक्टर एंड्रयू चार्ल्टन, यहां उपस्थित ऑस्ट्रेलिया के सभी सांसद सदस्य, मेयर, डिप्टी मेयर, काउंसिलर्स और ऑस्ट्रेलिया में रह रहे प्रवासी भारतीय जो आज इतनी विशाल संख्या में उपस्थित हुए हैं, आप सबको मेरा नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्नॉलेज द ट्रेडिशनल कस्टोडियंस ऑफ द लैंड दैट वी आर मीटिंग हियर ऑन टुडे। आई पे माय रिस्पेक्ट टू देयर एल्डर्स पास्ट प्रेजेंट एंड इमर्जिंग। I also celebrate all First Nations people who may be with us today. Friends, मैं जब 2014 में आया था तो आपसे एक वादा किया था। वादा ये था कि आपको फिर भारत के किसी प्रधानमंत्री का 28 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो लीजिए, यहां सिडनी में इस एना में मैं फिर हाजिर हूं और मैं अकेला नहीं आया हूं। प्रधानमंत्री अल्बेनीजी भी मेरे साथ आए हैं। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, अपने बहुत व्यस्त कार्यक्रम में से हम सभी के लिए आपने समय निकाला है, ये हम भारतीयों के प्रति आपके स्नेह को दर्शाता है। आपने जो अभी कहा वो दिखाता है कि ऑस्ट्रेलिया के मन में भारत के प्रति कितना प्रेम है। इसी वर्ष मुझे प्रधानमंत्री जी का भारत की धरती पर अहमदाबाद में स्वागत करने का अवसर मिला था। आज उन्होंने यहां
लिटिल इंडिया के फाउंडेशन स्टोन को अनवील करने में मेरा साथ दिया है। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू माय फ्रेंड एंथनी। ये लिटिल इंडिया ऑस्ट्रेलिया के विकास में भारतीय समुदाय के योगदान का भी एक रिकग्निशन है। मैं न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर, पैरामाटा शहर के मेयर, डिप्टी मेयर और काउंसिलर्स को इस विशेष सम्मान के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, मुझे खुशी है कि न्यू साउथ वेल्स में प्रवासी भारतीय समुदाय से कई लोग सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं, अपनी पहचान बना रहे हैं। वर्तमान न्यू साउथ वेल्स की सरकार में डिप्टी प्रीमियर प्रूकार, ट्रेजरर डेनियल मुखी बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और कल ही भाई समीर पांडे पैरामाटा के लॉर्ड मेयर चुने गए हैं। मैं सबका अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज जब पैरामाटा में यह सब हो रहा है, तभी ये जानकारी भी आई है कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में भारतीय सैनिक नयन सी सैलानी के नाम पर सैलानी एवेन्यू बनाया गया है।